हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आप नए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर आप पुराने हो सब्सक्राइबर हो तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। सो आज की वीडियो कुकिंग पे रिलेटेड होगी। सो मैं आज साबूदाने की खीर बनाऊंगी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले साबूदाने को पानी में भिगोकर रखना है 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद आपको साबूदाने को पानी से अलग कर देना है। फिर उसके बाद मिल्क को बॉयल करना है। मिल्क को बॉयल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे खीर बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद इलायची के सीड्स डालने हैं, जिससे खीर बहुत टेस्टी भी हो जाती है और फ्रेग्रेंस भी आती है। उसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह बॉयल होने देना है मिल्क को। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है, जो कि साबूदाना। साबूदाना को दूध के अंदर डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। फिर आपको शुगर डालनी है स्वाद अनुसार। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, अच्छी तरह इसको बॉयल होने देना है खीर को। वो धीरे 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 थिक होने लग जाएगी, इसका मतलब खीर रेडी होने वाली है। देन उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। मुझे खीर में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ड्राई फ्रूट्स हेल्दी भी होते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है कि आपको डालने हैं कि नहीं। इससे खीर और टेस्टी हो जाती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ड्राई फ्रूट्स को खीर में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साबूदाने की खीर रेडी हो चुकी है। मैंने ऐसे इसे डेकोरेट भी किया है। टेंटन है, साबूदाने की खीर रेडी हो चुकी है। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है, टेस्टी भी और हेल्दी भी है। हेल्दी फूड खाना हमारे को ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस ने हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत इफ़ेक्ट कर दिया है। तो हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम। बाहर तभी जाओ जब ज़रूरी है, वरना घर पे रहो। अपना ध्यान रखो और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसी लगी। कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो ये रही मेरी साबूदाने की खीर, जो कि मैंने बनाई है, और टेस्ट करके देखते हो। वाह, इतनी टेस्टी कैसे बना ली मैंने, बहुत टेस्टी है। अब ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी है, आप भी जरूर ट्राई करना।